कैसा लग रहा है आपको अबू धाबी का एटमोसफेयर और सारा? जी बहुत जबरदस्त है। हम इधर वैसे पहले मैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए आता रहा हूँ और अभी T10 के एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ, तो जी जी वंडरफुल टू बी हियर अगेन। सही। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं कि आपकी मतलब क्रिकेट ही क्यों, आपने क्रिकेट में क्यों करियर परस्यू किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो एक ही चीज है जो आपके गली मोहल्लों में खेली जाती है, वो है क्रिकेट। बिल्कुल छत पे भी, गली में भी। एब्सोल्युटली तो मैं समझता हूँ कि शायद उसको देख के तो मेरा दिल किया। फिर आप, जाहिर बात है, क्रिकेट आप टीवी पे देखते हैं, बिल्कुल फिर आप आइडियलाइज करते हैं कि मैंने ऐसे बनना है, ऐसे करना है, इस क्रिकेटर की तरह बनना है। बिल्कुल तो इस तरह देख के तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं क्रिकेटर बनने की कोशिश करूँ। सही। आपके कोई वाइल ग्रोइंग अप आपके कोई रोल मॉडल्स थे, कोई इन्फ्लुएंसेस थे क्रिकेटर? जी बिल्कुल। देखें, क्रिकेट में जो है मेरे रोल मॉडल वो अब्दुल कादिर सही और मुश्ताक अहमद, क्योंकि ये पाकिस्तान से खेल रहे थे। सही और मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े बॉलर वो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आइडियल इसलिए कि ये ऐसे बॉलर थे कि इन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमत की और जिस तरह अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में अपनी बॉलिंग से, मैं चाहता था मैं ऐसा ही बनूं ताकि बैट्समैनों को मेरी समझ ना आए। तो लेकिन जाहिर बात है वो मेरा उस वक्त ख्याल था और ये लोग मेरे रोल मॉडल थे क्रिकेट में। अगर मैं क्रिकेट उस वक्त मैं सोचता था कि मैंने क्रिकेटर बनना है तो मैं इन जैसा बना। तो इमरान भाई, आप मतलब लाहौर में पले बड़े हैं सारा, आपने व्हाई डिड यू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई साउथ अफ्रीका? आपने इंग्लैंड काउंटी भी खेली है। जी देखें, क्रिकेटर तो जो मैंने क्रिकेट सीखी है वो सीखी मैंने सारी पाकिस्तान से, और इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ जो PCB का स्पेशली, फिर हमारे जो लाहौर की फर्स्ट क्लास टीम है अंडर 19, और अंडर 19 में मेरा एक्सीडेंटली आना था क्योंकि मैं दुकान पे काम करता था, तो शाहिद भट्ट साहब हैं एक, उन्होंने मुझे देखा था, तो मैंने इसीलिए उनका नाम मेंशन किया क्योंकि वो मेरे बड़े मोहसिन हैं सही और उन्होंने मुझे बस नेट पे देख के तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। तो सही लेकिन उसके बाद फिर मैं अंडर 19 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और फिर PCB ने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। तो लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं क्योंकि मेरे जो 2004 2005 जो था उसमें मैं बहुत अच्छा किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो मुझे लगा कि मैं खेलूंगा। और फिर मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं शुक्रगुजार हूँ PCB का, कि दैट टाइम आई वाज वेरी नीडी। सही घर में बड़ा होना, फिर आपको पता है जो हमारा कल्चर है, तो मैं ही सिर्फ जॉब कर रहा था। अच्छा तो लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं लाइनअप में नहीं हूँ, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा गलत था, क्योंकि आई नो के शाहिद भाई ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, मुशी भाई खेल रहे थे। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे वाइड बॉल के लिए कंसीडर किया जाता, नॉट इवन अ टेस्ट प्लेयर, क्योंकि दानिश कनेरिया भी थे तो वो भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो मुझे कुछ होप होती तो शायद मैं सोचता कि मैंने इधर ही रहना है और ऐसे खेलना है। लेकिन उसके बावजूद मैं खेल रहा था, जो कि ऑनेस्टी है, क्योंकि मैं कैमरे पे हूँ तो मैं बिल्कुल कोई झूठ बात नहीं करना चाहता। तो मगर हुआ ये था कि जब मैं शादी मेरी होने लगी थी तो मेरी वाइफ की विश थी कि मैं साउथ अफ्रीका में खेलूँ, अच्छा और दैट टाइम आई डिडंट नो कि मैं साउथ अफ्रीका के लिए खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो मैंने प्योरली जब मैंने शादी की, तो उसके बाद वो भी एक्सीडेंट था, मुझे एक्चुअली नेट पे किसी ने बॉल करते देखा था, कोच ने, रिचर्ड पाइपस, जो कि पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट यू डूइंग हियर। तो मैंने कहा जी कि मैं आई एम गोना गेट मैरिड हियर, और वो कह रहे हैं कि इफ यू गेट मैरिड हियर तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अभी व्हाइल आई वाज बॉलिंग इन द नेट वो कॉन्ट्रैक्ट ले आए। अच्छा तो फिर ऑब्वियसली मुझे अपनी वाइफ को भी देखना था, तो मैंने कहा कि अगर वो भी खुश हो जाएगी तो मैं यहाँ पे 1-2 साल खेल के देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ वेयर आई विल बी। तो वो मैंने साइन कर दिया। ठीक अब फिर दैट्स द ओनली रीजन, और ये सब एक्सीडेंटली हुआ है कि आई एंड अप प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मगर एक बच्चे का जो ख्वाब है वो यही था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँ, बिल्कुल और वो ख्वाब मुझे जब साउथ अफ्रीका ने दिया है, तो पहले तो मैं 1 साल तो उसी में रहा हूँ कि मैं इन प्लेयर्स के साथ जिनके साथ बैठा हूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 2-3 दिन लग गए मुझे जैक कैलिस से बात करते हुए, अच्छा क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठते थे नेक्स्ट, तो मुझे पता ही नहीं था क्या कहूँ इनको। तो सही फिर 2-3 दिन के बाद मैंने जाके हेलो हाय करना शुरू किया, तो वो मेरे लिए एक ड्रीम था। लेकिन ड्रीम मेरा ये था कि जब मैं क्रिकेट खेलूं, वो बच्चा जिसने ये ख्वाब देखा है और जब उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर मैं वो बच्चा बनना चाहता था जो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दे। सही
तो मैंने उसके लिए कोशिश की है और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र गुजार हूँ और मेरी फैमिली का, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरी वाइफ के, इनकी सपोर्ट की वजह से मैं उस मकाम तक पहुंचा। और जिस तरह मैंने कहा है कि मैं थोड़ा नहीं खेलना चाहता था, मैं खेलना चाहता था बहुत वसी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया था क्रिकेट में तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था खेलने का, लेकिन मैं कंटिन्यूसली इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ जिस दिन से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। नाइस। तो लुक बैक, आई एम वेरी प्लीज्ड और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह पाक दैट हैपेंड। सही। लेकिन आपने, हाँ जी सर, जी जी, लेकिन जो मैंने मेन चीज बताई, क्रिकेट जो मेरा, मैं सर्वाइव किया हूँ इसीलिए किया हूँ कि मैंने क्रिकेट अपनी पाकिस्तान से जो सीखी थी, इतने अच्छे प्लेयरों को बॉलिंग करके बहुत हाई फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड में, उसके बाद मुझे दुनिया में कहीं कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सही। नाइस। नहीं, आपने इमरान भाई काफी अर्ली एज में भी काम करना शुरू कर दिया, आई थिंक एट द एज ऑफ 16। तो आप क्रिकेट से पहले क्या लाइक कर रहे थे? तो मेरी पहली जॉब थी, मैं पेस में काम करता था। सही। वहां पे मैं पैकिंग का काम करता था और वो मेरी पहली जॉब थी। ओके। और वो बड़ा अच्छा मेरे लाइफ के लिए एक्सपीरियंस था। बीइंग ए एल्डर सन, तो वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी भी थी। और उसके अलावा मैंने एक भाटी दरवाजे में भी जॉब की हुई है। मैं वैगन में डब्बे लोड करता था। ओके। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू जॉब्स। ये मेरी पहली दो जॉब्स ये थी। बिल्कुल। फिर जैसा मैंने आपको बताया, मैं क्रिकेट में ट्रायल में एक्सीडेंटली गया तो वो मुझे वहां पे पिक कर लिया उन्होंने, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सही। अच्छा इमरान भाई, आपके क्रिकेट करियर का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? कोई स्पेसिफिक मोमेंट या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या मैच जो स्टैंड आउट करते हैं, आपका पर्सनल फेवरेट? देखें, मैचेस तो बड़े मेरा ख्याल है अच्छे हैं जो मैंने काफी मैच खेले हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के डर से मैं ये बात कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत कम है, उंगलियों पे मैं गिन सकता हूँ जो बड़े कम मेरे अच्छे मैच गए होंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज पूछी है जो मुझे याद रहे, हाँ, तो जिस दिन मेरा डेब्यू हुआ था ना, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि वो ये वो ख्वाब था जो मैं पता नहीं कितने सालों से देख रहा था, और फिर 32 में जाके मेरा डेब्यू हुआ है। Okay. तो यहाँ 32 में के पाकिस्तान में जैसे आप खेलते हैं, तो मैं हमेशा सीनियर्स प्लेयर्स को देखता था और यही हमने सुना था इधर उधर से कि जहाँ पे भी हम गए कि यार 30 के बाद ना क्रिकेट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लोग कोचिंग में चले जाते हैं, तो मगर मैं बस हार मानने वालों में से नहीं। सही। नाइस। तो और आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है थ्रू आउट योर करियर? देखिए, एम्बैरेसिंग नहीं कह सकते, हाँ, एक मेरा टेस्ट मैच है जिससे मेरा टेस्ट करियर एक साल के लिए खतरे में पड़ गया था। अच्छा। और वो ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे बहुत रन हुए थे, पता नहीं 174 रन 20-22 ओवर में, बहुत ज्यादा, मुझे बड़ा फ्लैट विकेट था एडलेड में और मेरे से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी। सही। तो वो एम्बैरेसिंग इन ए वे ये है कि उससे मैं डाउन हो गया था काफी, लोग कह रहे थे कि आई एम नॉट ए टेस्ट क्रिकेटर और ये वो, लेकिन फिर एक साल के बाद मैंने दुबई में कमबैक किया था टेस्ट में और अगेंस्ट पाकिस्तान पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 3, तो वो मेरा कमबैक 8 मैंने आउट किए थे। सही। तो देन आई एबल टू प्ले कपल ऑफ मोर टेस्ट मैचेस आफ्टर। ओके। आप अपने बॉलिंग स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे और कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो आप ट्रेनिंग के दौरान फोकस करते हैं जिन पे? देखिए, मेरा बॉलिंग स्टाइल है, मैं हमेशा से अब्दुल कादिर साहब की तरह बनना चाहता था, ऐसे उचक कुचक के आना और भाग के बॉल करना। फिर बीच में मुश्ताक अहमद को देखता था, तो इन दोनों के दरमियान जो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा एक्शन रह गया है। सही। क्योंकि पहले मैं मुशी भाई के एक्शन से भी हाई एक्शन से करता था, मगर मुझे पसंद कादिर भाई का था, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत लगती थी। सही। और वो गॉड गिफ्टेड थे दोनों, तो उनको अपने एक्शन का पता था।